नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा दो हज़ार के लिए भौतिक विज्ञान फिजिक्स को तो अब जो आपका टॉपिक है उसका नाम है एनर्जी तो स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड आपके दस क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कांटिक एनर्जी एंड तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसमें कांटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है कैंटिक को बोला जाता है आपका गतिज ऊर्जा पोटेंशियल को बोला जाता है आपका स्थितिज ऊर्जा काइंटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या हाफ एम बी स्क्वायर और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है आपकी एम जी एच तो इन दोनों का सम होता, होता है आपका क्या मैकेनिकल एनर्जी होती है सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके की स्टोर्ड एनर्जी है आपकी और काइनेटिक एनर्जी मूविंग एनर्जी आपकी चलिए पढ़ लेते हैं स्टोर मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए झरना है तो झरने का काम है नीचे गिरना तो उसके अंदर क्या पोटेंशियल है नीचे गिरने का बात समझ में आई और काइंटिक क्योंकि उसके पास क्या है जैसे वो नीचे गिरने लग जाता है तो उसके पास क्या जाता है काइंटिक एनर्जी आता है सिंपल सी बात है काइंटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक मेटेरियल के लिए आपका क्या होगा सेम नहीं हो सकता एक ही टाइम पर क्या नहीं हो सकती आपकी एक जैसी नहीं हो सकती पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम होती है तो वहाँ पर कांटिक एनर्जी क्या हो जाती है आपकी मिनिमम हो जाती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मिनिमम हो जाती है तो चलो पढ़ लेते हैं लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज प्रोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन और इट्स पोजिशन इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज टू डू वर्क इट कैन बी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन और द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द पोजिशन याद रखना कि एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी ये किसकी वजह से होती है अपनी मोशन की वजह से होती है जबकि आपकी जो कॉनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अपनी पोजिशन के हिसाब से होती है आगे लिखा हुआ है द पोटेंशियल एनर्जी इज़ जीरो वैन द ऑब्जेक्ट इज़ इन द मोशन याद रखना जैसा मैंने बताया था आपको कि अगर कोई चीज़ अपने मोशन में आ जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है एंड द काइंटिक एनर्जी इज जीरो वैन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट जब कोई चीज रेस्ट में आ जाती है तो कांटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है तो मैकेनिकल एनर्जी का जो फार्मूला बनता, बनता है वो काइंटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बनता है हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच जहाँ पे v वेलोसिटी को, दिखा को दिखाता है g ग्रेविटेशनल एक्सलेशन को दिखाता है h हाइट को दिखाता है हीट एनर्जी की अगर बात करें तो हीट एनर्जी ऑप्शन में लिखा हुआ था इज़ अ रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द टिन पार्टिकल्स कॉल द एटम्स मॉलिक्यूल आयस इन द सॉलिड लिक्विड एंड द गैसेज द हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफ्ट फ्रॉम द वन ऑब्जेक्ट टू अनदर दिस फ्लो फॉर फ्रॉम द हायर टू लोअर याद रखना हमेशा जो हीट एनर्जी होती है वो कहाँ से कहाँ की तरफ जाती है तो हायर टेम्परेचर टू तो लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है हीट हमेशा इसी तरीके से ट्रांसफर होती है अच्छा मैन एनी सब्सटेंस पार्टिसपेटेड इन द केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म द अनदर सब्सटेंस देन द एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द केमिकल एनर्जी एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन इज नोन एज द न्यूक्लियर एनर्जी इट इज यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यहाँ पर देख लेते हैं ये देख लीजिए जैसे मैंने ये किया जो आपका आ, बोल सकते हैं आपका एरो था उसे बो से खींचा तो यहाँ पर अभी छूटा नहीं अभी ये रेस्ट मोशन में पर इसके अंदर क्या आ गया इसके अंदर पोटेंशियल आ गया छूटने का तो इस समय इसकी पोटेंशियल जो एनर्जी वो मैक्सिमम है जैसे ही जो छोड़ दिया जाएगा ये अपनी कैनिटिक एनर्जी को ले लेगा मैक्सिमम पॉइंट पे ले लेगा ले 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 उसी तरीके से फुटबॉल को देख सकते हैं अभी फुटबॉल खेलनी है रेस्ट पोजिशन में स्टोर्ड एनर्जी ये लात जैसे किक करने के लिए तैयार हुआ तो इसके अंदर क्या जाएगा पोटेंशियल आ जाएगा हिट होने का या किक स्टार्ट होने का जैसे किक कर दिया ये किस में बदल जाएगी ये जो आपकी बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी आपकी किस में बदल जाएगी आपका कैनिटिक एनर्जी में बदल जाएगी यहाँ पर भी वही चीज़ है देख लीजिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति है तो इसके पास नीचे जाना है ऐसे तो इस समय इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मैक्सिमम होगा जैसे ये क्या करेगा नीचे की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो जाती है आ, क्या हो, हो जाता क्या होने लग जा जीरो की तरफ जाती है और कैंटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम पॉइंट पर जाती है तो मैक्सिमम पॉइंट पर जाते जाते क्या होगा फिर कैंटिक एनर्जी जीरो की तरफ जाएगी और फिर पोटेंशियल आपका हाई होने लग जाएगा अब यहाँ पर देखिए कि जैसे हथौड़े से कील को ठोकने के लिए मैं गया तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो जाती है आपकी आ जाती है स्टोर्ड एनर्जी आपकी क्या जाती है उसमें फॉर्म हो जाती है जैसे हिट करने के लिए गया वो काइनेटिक एनर्जी में जैसे हिट हो गया वो मैकेनिकल एनर्जी में तो जब हिट किया तो एक्चुअल में वो इन दोनों का क्या आपका जोड़ है बात समझ में हीट एनर्जी की बात करें तो आपने इस तरीके से देखना है कि हीट क्या होता है कि अगर किसी सॉलिड के थ्रू होता है हीट क्या हो रही है ट्रांसफर हो रही है तो उसको कंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं वहीं अगर किसके थ्रू हो रहा है लिक्विड के थ्रू आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है तो उससे कॉन्वेक्शन बोला जाता है जबकि वही चीज़ अगर आपका बाई गैस के थ्रू हो रहा है आपका हीट ट्रांसफर हो तो उसे रेडिएशन बोला जाता है ये आपने याद रखना है नेक्स्ट चलते हैं कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी जैसे कैंटिक एनर्जी के कुछ टाइप्स हैं जैसे लाइट हो गई मैकेनिकल एनर्जी हो गई थर्मल हो गई साउंड वेव हो गई इलेक्ट्रिक हो गई ये सारी क्या आपकी कैंटिक एनर्जी अब मैकेनिकल एनर्जी दोनों तरफ आ सकती है पोटेंशियल की तरफ भी आ सकती है वहीं अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ न्यूक्लियर हो गया केमिकल हो गया ग्रेविटेशनल हो गया मैकेटिक हो गया ये आपके कुछ पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्प है फीज़न और फ्यूज़न की बात करें तो फीजन में क्या होता है आपका स्प्लिट मारता है एक आपका क्या होता है जो आ, बोल सकते हैं एटम होता है वो क्या करता है दो या दो से ज्यादा में क्या हो जाता है आपका सब डिवाइडेड हो जाता है वहीं फ्यूज़न की बात करें तो दो और दो से ज़्यादा जो आपके लाइटर आइटम्स होते हैं वो एक लार्ज आइटम में क्या होता है आपका चेंज हो जाता है तो ये प्रोसेस आपका अगर फ्यूज़न रिएक्शन की बात करें तो फ्यूजन अगर बोला जाएगा कि इस नाविक सलन क्रिया कहाँ चलती है तो सन में चलती है मेनली क्या नाविक सलन की क्रिया बोल सकते हैं कि ह्यूमन पॉसिबल कर सकते हैं मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन कंडीशन हो सकती है तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको केवल फ्यूजन करना है तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्यूजन इक्वेशन को करने के लिए आपको कई करोड़ों में बोल सकते हैं लाखों करोड़ों में टेम्परेचर चाहिए होता है आपका जो टेम्परेचर चाहिए होता है इस प्रोसेस को करने का जो सन के पास होता है तो फ्यूज़न रिएक्शन आपकी तब तक नहीं हो सकती जब तक आप क्या नहीं कर दो हीट को इतना जनरेट नहीं कर लो कि वो आपकी लाखों करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड में ना जाए लाखों डिग्री सेंटीग्रेड में नाई जाए तो इसके लिए क्या किया जाता है जब न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस को दोहराया जाता है या किया जाता है तो पहले न्यूक्लियर फ्यूजन को करना होता है ताकि इतनी हीट जनरेट हो जाए ताकि फ्यूजन को किया जा सके तो फ्यूजन में जो आपके होते हैं उसमें आपका हाइड्रोजन के आपके लिए जाते हैं ऐसा लिए जाते हैं जैसे आपके ड्यूटीरियम हो गया और कौन सा हो गया आपका ट्राइटीयम हो गया वन एस टू और वन एस थ्री याद रखना जो ड्यूटीरियम होता है वो आपका नेचुरल सब्सटेंस होता है नेचुरल नेचर में नेचुरली पाया जाता है पर ट्राइटीयम जो होता है वो आपको कैसे लेना होता है बाय uh, लाइब्रेरी या बोल सकते हैं सारी लेबोरेटरी ठीक है ना मतलब ये आपका क्या होता है बनाना पड़ता है और इसके थ्रू आपकी क्या निकलती है हीम बाहर निकलती है और उसके साथ आपका न्यूट्रॉन और कुछ एनर्जी आपकी बाहर निकल जाती है वहीं अगर मैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की बात करूँ न्यूक्लियर फीजन जो होता है इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है यूरेनियम टू थर्टी फाइव में और उससे क्या होता है कि आपका कुछ बेरियम के निकलते हैं वन फोटी फोर और क्रिप्टॉन निकलता है आपका बाहर उसके अलावा आपका न्यूट्रॉन निकल जाते हैं तीन फिर ये हिट करते हैं फिर से यूरेनियम पे फिर से क्या होता है तीन की जगह कितने हो जाते हैं तीन के नौ हो जाते हैं इस तरीके से चेन रिएक्शन अपने अपनी जो बोल सकते हैं आपकी बनने लग जाती है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखिए आप कुछ याद कर सकते हैं जैसे वन एस टू ड्यूटेरियम प्लस ट्राइटियम जो होता है वन एस थ्री ये हीलियम फोर को निकालता है टू एच फोर को निकालता है न्यूट्रॉन को रिलीज़ करता है सेवनटीन पॉइंट फाइव नाइन एम ए वी आपका क्या निकलती? निकलती? निकलती है एनर्जी आपकी क्या निकलती है बाहर निकलती है वहीं अगर हीलियम थ्री निकाला जाएगा तो कुछ कम अमाउंट में आपकी एनर्जी निकलती है थ्री पॉइंट टू सेवन एम ई वी के आसपास निकलती है वहीं अगर न्यूट्रॉन की जगह अगर प्रोटियम निकाला जाए तो फोर पॉइंट जीरो थ्री एम ई वी निकलती है और अगर आ, बोला जाए कि अगर ड्यूटेरियम की इक्वेशन ड्यूटेरियम का अगर मैं किसके साथ रिएक्शन करवा दूँ हीलियम के साथ करवा दूँ तो हीलियम फोर तो निकल जाएगा उसी के साथ आपका प्रोटियम भी निकल जाएगा एटीन पॉइंट थ्री एम ई वी निकल जाएगी आपने जो इक्वेशन याद करनी है वो पहली वाली है मेनली न्यूक्लियर फ्यूजन में नाभिकीय संलयन में वहीं अगर फ्यूजन की बात करूँ तो यूरेनियम टू थर्टी थ्री नाइनटी टू और न्यूट्रॉन की जब बमबारी की जाती है तो 92 यूरेनियम 234 जनरेट किया जाता है जैसे स्ट्रॉनसियम निकलता है 94 38 थर्टी एट जिनॉन निकलता है फिफ्टी फोर वन थर्टी सेवन है थ्री न्यूट्रॉन्स आपके बाहर निकलते हैं वन नाइनटी सेवन आपकी इलेक्ट्रो क्या होती है एनर्जी बाहर निकल जाती है जो इक्वेशन आपको याद करनी है वो टू थर्टी फाइव वाली ये वाली ये या आपने याद करनी है यूरेनियम टू थर्टी फाइव नाइन्टी टू न्यूट नेचुरल बेस में होता है आपका ये आपका जो था ऊपर वो सिंथेटिक फॉर्म में था इसलिए नेचुरल वाले को लिया जाता है तो नेचुरली यूरिन आपने लिया उसमें न्यूट्रॉन की बमबारी की फिर वो किस में चेंज हुआ आपका अनस्टेबल फॉर्म में आया यूरिन नाइन्टी टू में जैसे आपका क्रिप्टन निकला नाइन्टी टू थर्टी और बेरियम निकला फिफ्टी ये वाली जरूर याद कर लेना ठीक है ना क्रिप्टॉन और बेरियम तो नाइनटी टू थर्टी नाइन्टी टू और 56 141 और तीन आपके न्यूट्रॉन निकलते हैं टू जीरो टू आपकी क्या होती है एनर्जी रिलीज़ होती है वहीं प्लूटोनियम से भी क्या किया जा सकता है न्यूक्लियर फ्यूजन किया जा सकता है आपने देखा था ना जब हीरो से मैन आगसाके में बम फोड़े गए थे न्यूक्लियर बम फोड़े गए तो जो पहले इस्तेमाल किया गया था तो वो आपका कौन सा लिटिल बॉय था फिर आपका फैटमैन यूज़ किया गया था तो वहाँ पे जो यूज़ किया गया था वो यूरेनियम टू थर्टी फाइव और प्लूटोनियम आपका टू थर्टी नाइन ही यूज़ किया गया था तो जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो ये अपने अनस्टेबल फॉर्म में आता है नाइनटी फोर टू फोर्टी में और आपका जिरकोनियम को निकालता है बाहर और जिनॉन को बाहर निकालता है न्यूट्रॉन के साथ और टू जीरो सेवन पॉइंट वन एम ई बी आपकी क्या करता है एनर्जी लॉस करता है बाहर निकाल देता है ठीक है ना ये आप याद कर लेना खासकर दूसरी वाली ज्यादा पूछी जाती है ठीक है परसेंट वही पूछी जाती है प्लूटोनियम वाली नहीं पूछी जाती अच्छा नेक्स्ट चलते हैं विच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय सोलर सेल अब सोलर सेल किसको बदलेगा सोलर एनर्जी को तो बदलेगा जैसा सोलर कुकर है आपका तो सोलर कुकर क्या कर देता है आपका सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है सोलर सेल भी वही करता है आपका कि वो क्या करता है सोलर एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है तो मैं पढ़ लेता हूँ देखो लिखा हुआ है Energy is a phenomenon which is transferred from the one object to another in the form of the heat. As a result, it performs work. When the energy is transferred from the one object to another, it changes its form. And this phenomenon is called the conservation of the energy. The following types of the energy are discussed below. First is solar energy. It is the energy that is derived from the sun. When the solar cells are exposed to the sun, it converts the solar energy into electric energy. Important facts related to solar energy. So, yeah, India ranks the fifth globally in the installed the solar energy. India has about the 34.5. वॉट इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी एट द प्रेजेंट इंडिया यहाँ पे इंडिया लिखना, लिखना है यहाँ पे इंडिया लिखना है आई एन डी आई ए इंडिया टारगेट इज वन सेवेंटी फाइव की गा ऑफ द रिनी लैंड अच्छा भारत का याद रखना कि टारगेट कितना है दो हज़ार बाईस का वन सेवेंटी फाइव पर रिसेंट अभी सर्वे किया गया तो भारत इतना अचीव नहीं कर पाएगा किसी कारण से वन सेवेंटी फाइव कीगा वार्ड का टारगेट दो हजार बाईस तक अचीव नहीं कर पाएगा वैसे तो भारत ने अपना टारगेट है दो हजार तीस का भी सेट कर लिया है दो हजार तीस तक हमें कितना करना है रिन्यूबल चार सौ पचास करना है तो बेहतर काम कर रहा है और ये किसके तहत कर रहा है जो आपकी क्या थी आ, आपके जो कौन सी है जो आपकी सबमिट हुई थी कॉप ट्वेंटी फाइव हुई थी पैरिस जिसे बोला जाता है जिसके साथ पैरिस समझौता किया गया था उसके तहत कुछ भारत ने क्या कि खाई थी कसमें खाई थी कि कुछ टारगेट्स कंप्लीट करेगा रिन्यूल एनर्जी के मामले में वन सेवेंटी फाइव गीगा वाट से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सौ गीगा वाट तो आपका किसके थ्रू है सोलर एनर्जी के थ्रू है साठ गीगा वाट आपका विंड एनर्जी के थ्रू है उसके अलावा बायोमास के थ्रू है आपका दस के आसपास और फिर पाँच के आसपास आपका जो आपके क्या हाइड्रो पावर है उनके थ्रू है अच्छा केमिकल एनर्जी की अगर बात करें इट इज एनर्जी दैट इज रिलीज वेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इट एप्लीकेशन आर इन द क्रिएशन ऑफ द एनर्जी इन आवर बॉडी फोटो सिंथिस इन इलेक्ट्रिक सेल्स केमिकल एनर्जी तो होती है जब फोटोसिथिसिस में क्या होती है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है ग्लूकोज का निर्माण करते हैं ना आपके पेड़ पौधे अब फोटोसिंथेसिस की आपकी इक्वेशन क्या होती है तो होता यह है कि आपका जो क्या होता है सिक्सटी उसके साथ आपको क्या चीज होता है सिक्स एस टू और इससे क्या बन जाती है आपकी ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है सिक्स सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स और आपका क्या निकल जाता है ऑक्सीजन के छः मोलिक्यूल्स निकल जाते हैं आपके बाहर और आपके निकल जाती है एनर्जी बाहर रिलीज हो जाती है तो या आपने या ये आपने याद रखना ये है ये आपकी कैसे होती है ये रिवर्सिबल इक्वेशन है रिवर्स कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी आपकी रेस्परेशन बन जाएगी न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज़ आइदर प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन और द न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस वन द न्यू टू न्यूक्लियर आर द कंबाइंड टू रिलीज द एनर्जी जैसे नाविकिया के बोलते हैं आपका सलन बोलते हैं वाइल द न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच द सिंगल न्यूक्लियस ब्रेक इं टू द टू पार्ट्स ऑफ द रिलीज एनर्जी अच्छा मैग्निक एनर्जी की बात करें एनर्जी कॉज बाय द प्रोडक्शन ऑफ द मैग्निक फील्ड इज कॉल द मैग्निक एनर्जी दिस एनर्जी यूज इन द मेकिंग द इलेक्ट्रिक बेल्स इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड द जनरेटर्स बात समझ में आ गई अगर पूछा जाता है तो इलेक्ट्रिक मोटर भी इसी में काम करता है इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो क्या कर देती है आपका इलेक्ट्रिक <laughs> मोटर आपका जनरेट करती है इलेक्ट्रिक मतलब वो क्या करती है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको मैग्नेटिक में चेंज कर देती है तो ये आपने याद रखना है जनरेटर क्या करता है जनरेटर उल्टा करता है ठीक है ना जनरेटर क्या करता है मैकेनिकल को किस में बदल देता है आपका इलेक्ट्रिकल में बदल देता है तो चलिए आगे चलते हैं अब तो ये कुछ एनर्जी जैसे केमिकल एनर्जी केमिकल को मैकेनिकल में ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है लाइट एनर्जी लाइट को केमिकल में केमिकल टू लाइट केमिकल टू मैकेनिकल और कुछ ऐसे याद करने जैसे थर्मोलैक्ट्रिक की अगर बात की जाए तो हीट एनर्जी किस में चेंज होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी तो में चेंज होती है जियो थर्मल पावर की बात करेंगे करें तो हीट इलेक्ट्रिक में चेंज होती है हीट इंजन की बात करें सच एज इंटरनल कंबनशन इंजन यूज इन द कार और द टाइम इंजन हीट मैकेनिकल में चेंज हो जाती है ओशन थर्मल पावर की बात करें तो हीट इलेक्ट्रिक में चेंज होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप याद है ना जब कभी भी थर्मल एनर्जी की बात की जाती है हाइड्रोलेक्ट्रिक डैम की बात की जाती है तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है तो वहाँ पर पोटेंशियल चाहिए होता है आपको क्योंकि क्यों क्या क्यों हो, होता है कि पानी नीचे गिरता है ना पानी नीचे गिरता है तो नीचे की तरफ आपके आगे लगे होते हैं आपके आ, बोल सकते हैं जनरेटर लगे होते हैं जिनमें क्या होते हैं आपके डैने टाइप के लगे होते हैं वो चलते हैं आपके और जब चलते हैं तो क्या होता है कि आपकी आ, क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी uh, प्रोड्यूस हो जाती है क्योंकि वो क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है और उसके बिल्कुल आपका 90 डिग्री पे क्या होने लग जाती है इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स की अगर बात की जाएगी जो होता है आपका तो वहाँ पर क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को चेंज किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में वहाँ पर उसकी मदद की जाती है उससे मदद ली जाती है इलेक्ट्रिकल जनरेटर की अगर बात करें तो उसमें कैनटिक एनर्जी या मैकेनिकलिकलिकलिकलिकल एनर्जी जो मैं बोलूंगा जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया जाता है फ्यूल सेल की बात किया जाए केमिकल इलेक्ट्रिक में बैटरी की बात किया जाए केमिकल इलेक्ट्रिक में फायर की बात की जाएगी तो केमिकल हीट या लाइट में बदल जाती है इलेक्ट्रिक लाइम की बात करें तो इलेक्ट्रिक आपकी हीट और लाइट में बदल जाती है माइक्रोफोन की बात करें माइक्रोफोन होता है तो साउंड को इलेक्ट्रिक में बदल देता है जबकि आपका जो माइक होता है माइक अब माइक कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं है ना माइक तो माइक क्या करता है इलेक्ट्रिक को साउंड में बदल देता है उल्टा कर देता है वेब पाव, वे पावर वेब पावर की बात करेंगे तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिक में होता है विंड मिल्स की बात करें तो विंड एनर्जी तो किसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है फ्यूजो इलेक्ट्रिक की बात करें स्ट्रेन आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में फ्रैक्शन की बात करें काइनेटिक एनर्जी हीट में चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में चेंज होती है फोटोसिंथेसिस में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है सोलर एनर्जी वो किस में चेंज हो जाती है केमिकल में ए टी में हाइड्रोलाइसिस की बात करें याद रखना जब कभी भी ए टी में हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू मतलब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है मतलब एड्नोसिन ट्राइफॉस्फेट जो आपके क्या होती है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है तो इसमें क्या होता है वो चेंज हो जाता है किसमें एडीपी में एडनोसिन डाइफॉस्फेट में इसमें केमिकल एनर्जी जो होती है वो चेंज हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता विच अमंग द फॉलोइंग कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक अच्छा केमिकल को किस में बदलना है आपने इलेक्ट्रिक में बदलना है तो ये काम किसका होता है ये काम होता है आपका किसका बैटरी का ठीक है ना केमिकल होता है उसमें उसको किस में बदल सकता है इलेक्ट्रिक में बदल सकते हैं अच्छा अगर मोटर की बात करूँगा तो मोटर मैंने बोला बताया था इलेक्ट्रिक को किस में बदलता है ये मैकेनिकल में बदल देता है डायनोमोर जनरेटर एक जैसे होते हैं ये मैकेनिकल को बदलते है। ये मैकेनिकल को बदलते मैकेनिकल एनर्जी को बदलते इलेक्ट्रिक में तो देखिए क्या लिखा हुआ है अगर देखें तो अ बैटरी इज दैट दटोर द केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इट टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी द केमिकल रिएक्शन इज अ बैटरी इनवॉल्व द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वन मेटेरियल इलेक्ट्रॉ टू अनदर थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट एनर्जी यूजिंग एंड इलेक्ट्रो केमिकल ऑक्सीडेशन डिडक्शन जो आपका यूज़ होता है डिडक्शन रिएक्शन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड एंड इलेक्ट्रिक करंट दैट कैन बी यूज टू डू वर्क अच्छा मोटर की बात अगर करूँगा तो मैंने मोटर बताया था इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें मैकेनिकल एनर्जी में, में बदलता है और ये काम करता है आपके फ्लैमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर यह याद रखना है कभी कई बार पूछा जाता है कि मोटर जो करती है वो किस पे करती है तो फ्लैमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसमें करता है मतलब आपने मोटर को किस तरह हाथ में रखना हाँ है बाएँ हाथ में डायनोमो की अगर बात करूँ तो डायनोमो की अगर बात करूँ तो ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है जनरेटर भी सेम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है पर ये किस में करता है काम फ्लैमिंग के राइट हैंड रूल पर करता है काम तो मोटर को बाएँ हाथ में रखना है जनरेटर को राइट हैंड में रखना है ठीक है ना ये आपने याद कर देना जैसे एक चीज़ याद कर लेना एम एल एम एन ओ पी क्यू हाँ हो गया यार जैसे जे तो के एल एम अगर अल्फाबेटिकल चले तो एल के बाद क्या M आता है एम आता है ना तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड यहाँ पे मोटर इस तरीके से याद कर लेना उससे आपको फिर याद करना है कि राइट right हैंड का जी ना जी आर इस तरीके से याद कर लेना तो इसको एक को याद कर लेना दूसरा याद हो जाएगा तो जो मोटर है वो प्रिंसिपल पर काम करता है फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल और जो आपका जनरेटर है वो करता है राइट हैंड रूल पर अच्छा दोनों की बात कर लेते हैं तो फ्लैमिंग का राइट हैंड रूल जो जनरेटर से रिलेटेड होता है इंपॉर्टेंट है ठीक है ना पेपर में पूछा जाता है डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर अटैच टू सर्किट मूवस इन द मैग्नेटिक फील्ड इट कैन बी यूज टू डि डायरेक्शन जनरेटर विंडिंग थम की बात करें पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड द फर्स्ट फिंगर की अगर बात करें तो लिखा हुआ था मैगनेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ दैन द सेकंडर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन विद इन द कंडक्टर फ्रॉम द टर्मिनल विद लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू द टर्मिनल विद द हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब ये कि आपका वोल्टेज को शो करता है तो सिंपल सी बात है आपका जो लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड थम है वो मोशन को दिखाता है ये सारे आपके 90 डिग्री पे है ठीक है ना इस तरीके से ये इस तरीके से फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे से क्या बना रहे हैं नाइन्टी डिग्री का एंगल ये याद रखना है तो पहले पर आपका क्या है थम में मोशन है फिर बीच वाले में मैग्नेटिक फील्ड है तीसरे वाले में आपका करंट है वहीं अगर मैं बात करूँ फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल का तो ये इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आते हैं वैन द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग वायर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज अक्रॉस द फ्लो द कंडक्टिंग वायर एक्सपीरियंस फोर्स परपेंडिकुलर बोथ टू द फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो दे आर म्यूचुअली पर द थम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द थ्रस्ट ऑफ द कंडक्टर मोशन ऑफ द कंडक्टर द फोर फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेंटर वन इज द वो करता है आपका कौन सा सेम है कुछ अलग है नहीं सिर्फ इतना राइट हैंड रूल में आपका कौन सा हो जाएगा जनरेटर का होगा और आपका लेफ्ट हैंड किससे रिलेटेड हो इलेक्ट्रिक मोटर से. सेम है देखो मोशन का क्या आपका वही थंब है बीच में आपका मैग्नेटिक फील्ड है और तीसरी वाली उंगली कौन सी आपकी करंट का है? अच्छा अगर बात करें एनोड की अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो एनोड इज अ नेगेटिव याद रखना एनोड क्या होता है आपका नेगेटिव होता है और रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपका रिड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो इलेक्ट्रोड दैट रिलीज द इलेक्ट्रॉन टू द एक्सटर्नल सर्किट और ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन वही अगर कैथोड की बात करें पॉजिटिव होता है ऑक्सीडाइज करता है इलेक्ट्रोड्स को दैट एक्वायर्स द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट एंड इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन द इलेक्ट्रोलाइज द मीडियम दैट प्रोवाइड द आयन ट्रांसपोर्ट सिंपल सी बात है आपका क्या होता है प्रोसेस में क्या होता है आपका आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव मैकेनिज्म बिटवीन द कैथोड एंड एनोड ऑफ द सेल इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफन द ऑफ एज दफ लिक्विड सच एज द वाटर और अदर सॉल्वेंट विद द डिजॉल्व सोल्ट एसिड और द दैट आर रिक्वायर्ड फॉर आयनिक कंडक्शन तो यहाँ पर देख लेते हैं मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ये देखो इलेक्ट्रोलाइट्स अगर मैं यहीं पे बात करूँ किसकी इथेनॉल की बात करूँ C2H5OH की बात करूँ तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसमें आपके आइन्स नहीं होते पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते हैं तो ये आपने याद रखना है तो ये आपका क्या करेगा करंट फ्लो को जनरेट नहीं करेगा वहीं अगर मैं किसकी बात करूँगा सॉल्ट की बात करूँगा सोडियम क्लोराइड की बात करूँगा एन की बात करूँगा तो आप जानते हैं कि एन जो सोडियम होता है वो पॉजिटिव आइंस को लेता है क्लोरीन जो होता है नेगेटिव आइन्स को लेता है तो यहाँ पर क्या होता है आपकी इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस हो सकती है तो एनोड टू कैथोड कैथोड टू एनोड ये आपका चलने लग जाता है और यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है जनरेट हो जाती है एक्सटेंसिव करंट फ्लो आपका बन जाता है

एक्वा uh, एक्वासोल्यूशन में क्लोरीन आपका एक्वा एक्वासोल्यूशन में टूट जाता है सोडियम आइन्स और क्लोरीन आइन में अच्छा अगर हमारी बॉडी के अंदर बात करें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम होता है क्लोरीन होता है मैग्नीशियम होता है कैल्शियम होता है पोटेशियम होता है, है। इनके पास आयन होंगे जैसे एन ए पॉजिटिव होता है सी एल नेगेटिव होता है एम जी टू पॉजिटिव होता है सी ए टू पॉजिटिव होता है के पॉजिटिव होता है ठीक है ना तो ये क्या करते हैं भाई बैलेंस द फ्लूड्स इन योर बॉडी मेंटेन योर ब्लड्स प्रॉपर पी एच हमारे कितना होता है uh, जो वैल्यू होती है हमारे ब्लड uh, की वो कैसे होती है स्लाइटली एसिडिक होती है सेवन पॉइंट फोर के आसपास इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द नर्व्स टू मसल्स ठीक है आगे चलते हैं नर्वस सिस्टम कितने तरीके का होता है दो ना पढ़ाया था ना बायोलॉजी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैरिफिर नर्वस सिस्टम अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन था रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी अब देखो काइंटिक एनर्जी का फॉर्मली था हाफ एम वी स्क्वायर ये हो गया आपका और नीचे क्योंकि पोटेंशियल तो एम जी एच तो एम से एम कैंसिल हो गया वो टू नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा वी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा टू और ये जी एच तो ये आपका रेशियो किसका काइनेटिक एनर्जी का किसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में तो आंसर बन जाएगा फर्स्ट बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं ठीक है ना जो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा चीज़ आपको समझा दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी इन अ सिंपल पेंडुलम आप जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम में क्या होता है आपका कंजर्व हो जा कंजर्व हो जाता है सिंपल पेंडुलम में जैसे सिंपल पेंडुलम है ये इस तरफ गया यहाँ पर इसने पोजिशन ली यहाँ की तरफ गया तो ये पोजिशन ली तो ये क्यों भी पोजिशन है अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे कि यहाँ पर जो होता है ना यहाँ पर जब ये जाता है तो इसके पास क्या होता है कि इसके पास क्या होता है मोशन होता है जब यहाँ पर रहता है तो उसके पास मोशन होता है तो यहाँ पर इसका क्या होता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है मैक्सिमम होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या होती है आपकी मिनिमम होती है जबकि यहाँ पर क्या होती है कि उसका वो क्या हो जाता है जो उसका फ्लो होता है मोशन होता है रुक जाता है क्योंकि यहाँ तक जाएगा फिर वापस आएगा ना तो एक पॉइंट यहाँ पर जो उसका बोल सकते हैं जहाँ पर क्या होता है कि रुकती है और फिर वापस आएगी तो वहाँ पर क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होता है मिनिमम हो जाता है तो लिखा हुआ इट सोज ऑनली द ट्रांसफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी नहीं ऐसा नहीं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो आप देख रहे हो काइनेटिक पोटेंशियल में पोटेंशियल काइनेटिक में दोनों हो रहे हैं तो फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया इट कंटेज बोथ द ट्रांसफॉर्मेशन द एर्जी अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही है कि दोनों को लेके आ रहा है ऑल इन द इनकरेक्ट तो लिख नहीं सकते दोनों का आपका आपका क्या हो रहा है कंज, आ, कंजर्व हो रही है आपकी तो लिखा हुआ है पढ़ ले तो देखो लिखा हुआ है अ स्विंगिंग पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी दिस इज बिकॉज ऑफ द स्विंग सिंपल पेंडुलम इज अ बॉडी हुज एनर्जी कैन आइदर बी पोटेंशियल और कांटिक और अ मिक्सचर ऑफ द पोटेंशियल एंड द काटिक बट इट टोटल एनर्जी इज एनी इंस्टेंट टाइम रिमेन्स द पोटेंशियल एनर्जी इंटू द काटिक एनर्जी और द कांटिक एनर्जी इंटू द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय द स्विंगिंग सिंपल पेंडुलम जैसे मैंने आपको बताया वन एवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट द टोटल एनर्जी बिफोर एंड द आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन विल बी द सेम ड्यूरिंग दन कन्वर्जेशन ऑफ द एनर्जी from द वन point टू another, सम एनर्जी मे बी वेस्टेड कुछ एनर्जी आपकी लॉस होती होती हो है वो तो फैक्ट है इस स्टिल द टोटल एनर्जी रिमेन् सेम अच्छा काइंटिक एनर्जी के बारे में पढ़े तो काइंटिक एनर्जी ऑफ अर मूविंग बॉडी इज मेजॉर्ट बाई द अमाउंट ऑफ द वर्क इट कैन इट कैन बी इट कैन डू बिफोर द कमिंग टू रेस्ट ठीक है ये कुछ काम कर देता है जब तक रेस्ट में नहीं आ जाए काइंट एनर्जी फॉर्म में हो square, m होता है हाफ एम बी स्क्वायर एम मास होता है वी वेलोसिटी होती है अच्छा अगर याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द तो वेलोसिटी के ठीक है ना अगर मास को मैं डबल कर दूँ तो उससे देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना मास के साथ तो अगर मैं आ, मास को डबल करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाती है अगर मास को हाफ करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाती है पर वहीं अगर वी स्क्वायर है तो अगर वेलोसिटी को मैं डबल कर दूँ तो दो दिन चार हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी वहीं अगर मैं हाफ कर दूंगा तो हाफ का स्क्वायर करूँगा तो वन बाई फोर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी तो ये आपने याद रखना लिखा सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास एंड द वेलोसिटी देयर फॉर हेवी बॉडी इज मूविंग विदाई वेलासिटी हैव द मोर कांटिक एनर्जी इन द स्लो बॉडी स्लो मूविंग बॉडी ऑफ द स्मॉल मास अच्छा नेक्स्ट चलते हैं तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिखा हुआ लिखा द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और द चें इन सेफ इज नोन एज द पोटेंशल एनर्जी द अनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एर्जी दै एर्जी ऑफ द बॉडी डू टू द चें इन द सेफ अब याद रखना अगर वो अपने हाइट की वजह से ग्रविटेशनल पोटेंशिय एनर्जी आ जाएगा पोजिशन अब द ग्राउंड द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू द चेंज इन द सेफ सेफ की वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ठीक है ना जैसे किसी चीज को अगर जैसे कोई आपकी स्प्रिंग है ना तो स्प्रिंग को मैंने ऐसे बाहर की तरफ खींच दिया तो उसके अंदर पोटेंशियल आ जाएगा आ जाएगा वापस आने का द अब मैंशन पोटेंशियल एनर्जी इज जनरली रेफर टू द पोटेंशियल एनर्जी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू द हायर पोजीशन ऑफ द अर्थ एंड इक्वल टू द वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी इन द मूविंग बॉडी टू द टू दैट इन द पोजिशन वर्क डन जो होता है फोर्स इन डिस्टेंस होता है एफ इन डी होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच जी एक्सोशन टू टू ग्रेविटी होता है एच ऑफ द बॉडी अब ग्राउंड तो ये हिंदी में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं चलो आगे चलते हैं इन अ रिचार्जेबल सेल वट काइंड एनर्जी स्टोर्ड विद द सेल तो अब देखो रिचार्जेबल है तो उसमें अंदर कौन सी हो जाएगी केमिकल एनर्जी आपकी क्या हो जाती है सेफ हो जाती है ये आपने याद रखना है अभी तो बताया था जो आपके क्या होते हैं सेल होते हैं उनके अंदर क्या होती है केमिकल एनर्जी केमिकल किस में हो जाती है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में निकल जाती तो लिखा हुआ केमिकल एनर्जी स्टोर विद इन द रिचार्जेब सेल केमिकल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स एंड रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द हीट व्हेन द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स आर ब्रोकन अ रिचार्जेबल सेल इज अ टाइप ऑफ द सेल व्हिच कैन बी चार्ज डिस्चार्ज इनटू अ लोड एंड द रिचार्ज मेनी टाइम्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल व्हेन दीस सेल्स आर रिचार्ज या तो रखना जब रिचार्ज किया जाता है ना तब आपकी क्या होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में बदलता है और जब वो इस्तेमाल होता है डिस बोल सकते हैं आपका क्या होता है डिस्चार्ज किया जाता है तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में आपका चेंज कर देता है ठीक है ना अच्छा नेक्स्ट चलते हैं कंप्रेस्ड स्प्रिंग पॉजिटिव मोर एनर्जी देन द स्प्रिंग ऑफ द नॉर्मल लेंथ बिकॉज ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग एज कंप्रेस कर दिया मैंने देखो ये नॉर्मल स्प्रिंग है आपकी ये उसकी नॉर्मल लंबाई यहाँ तक है और इसे मैंने कंप्रेस करके ऐसे कर दिया यहाँ तक ला ये कंप्रेस कर दिया मैंने हाथ से दबा दिया तो अब बताओ जरा इसके अंदर कौन सी आ जाएगी स्टोर्ड एनर्जी आ जाएगी स्टोर्ड मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी तो आंसर जो बनेगा वो कौन सा बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी तो देखो पढ़ लेते हैं लिखा हुआ है द एनर्जी बाय अ बॉडी ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स और द पोजिशनफिग्रेशन सेफ एंड साइज इज कॉल द पोटेंशियल एनर्जी एर्नर्जी द स्प्रिंग इज बाउंड एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्फिगुरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द स्प्रिंग एज अ स्प्रिंग और द कम्प्रेस इज डन द वाउंड स्प्रिंग हैज द पोटेंशियल टू डू वर्क मीन हैव द मोर एनर्जी देन स्प्रिंग ऑफ द नॉर्मल हीट एनर्जी की अगर बात करें तो हीट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल दट ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स केमिकल एनर्जी की बात करें तो एनर्जी प्रोड्यूस और बाय द ब्रेकिंग और द फॉर्मिंग द केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स इज कॉल द केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पॉजेस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन जिसकी वैल्यू कितनी होती है हाफ एम बी होती है मास होता है आपका एम वेलोसिटी होती है आपकी फी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन कन्वर्सेशन सॉरी कन्वर्जन इफ़ यू अप्लाई लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी ड्यू टू टू एनर्जी टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी इंड्यूस द कंडक्टर कम्स फ्रॉम तो अब ये याद रखना ये हीट से नहीं आती आपका रेडिएशन से नहीं आती ना ही पोटेंशियल से आती है आपका जो ये चेंज करेगा ना इलेक्ट्रिक एनर्जी वो करेगी कांटिक एनर्जी चेंज ठीक है ना ये आपकी जो इंडक्शन कोयल होती है उसमें आ जाती है ये एनर्जी तो लिखा हुआ देखो क्या लिखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी तो लिखा हुआ है पोटेंशियल इज द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द विद इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ऑब्जेक्ट पोजिशन अरेंजमेंट ऑफ द और द स्टेट्स हीट एनर्जी हिट इज द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द वन सिस्टम टू अनदर एंड इट कैन भी अफेक्टेड द टेम्परेचर ऑफ द सिंगुलर सिस्टम कैंटिक एनर्जी की अगर बात करें इज एनर्जी ऑफ द मास इन द मोशन द कांटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी इट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन रेडिएशन की अगर बात करें तो लिखा रेडिएशन इज द एमिशन ऑफ द ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स और द पार्टिकल थ्रू द स्पेस और द थ्रू द मेटल मीडियम अच्छा द वर्क डन बाय द मूविंग कॉयल अगर बोलेंगे चेंज इन द कांटिक एनर्जी ये देखो लिखा हुआ है इंड्यूज द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द कंडक्टर तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो किससे आप किससे चेंज होती है काइंटिक एनर्जी में कांटिक एनर्जी के थ्रू चेंज होती है तो कायंटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी चलो आगे चलते हैं द हाइड्रो पावर प्लांट विच एनर्जी ऑफ द वटर यूटिलाइज टू जनरेट अच्छा हाइड्रो पावर प्लांट की जो एनर्जी को थर्मल एनर्जी बोला जाता है पर वो चेंज के लिए बोल रहा है विच एनर्जी ऑफ द वाटर इज यूलाइज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी तो ये पूछ नहीं रहा कि हाइड्रो पावर एनर्जी को क्या बोला जाता है हाइड्रो पावर प्लांट्स में जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है थर्मल एनर्जी होती है पर चेंजेबल कौन सी होती है तो मैंने आप बताया तो, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका ड्यू टू द ग्रविटेशन जो आपका क्या होता है एक्सोडेशन होता है ये तो होता है एम जी एच क्योंकि पानी नीचे गिरता है स्टोर किया जाता है आपका जैसे बांध लगा दिया आपने तो बांध कैसे होता है नीचे की तरफ ये थोड़ा सा बड़ा होता है इस तरीके से और यहाँ पर क्या लगे होते हैं यहाँ से पानी स्टोर किया जाता है ऐसे पानी आ जाता है फिर यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से वो खोले जाते हैं बोल सकते हैं उनके सिस्टम ओपन किया जाता है नीचे आपके क्या लगे होते हैं आपके डैने वगैरह लगे होते हैं इस तरीके से मतलब यहाँ पे नीचे लगे रहते हैं इस तरीके से आपके ना पंखर पंखर टाइप के लगे रहते हैं यहाँ से पानी गिरता है गिरता है तो यहाँ से घूमता है घूमता है तो क्या होता है कि ये क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है और बीच से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या होने लग जाती है प्रोड्यूस होने लग जाती है बहुत आसान है चलो देख लेते लिखा हुआ है हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इंटू द मैकेनिकल एनर्जी थ्रू द वाटर टर्बाइंस विच देन जनरेट द अच्छा किस में आता है आपका याद रखना अगर पूछा जाता है हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है वो किस में आते हैं रिन्यूएबल में आते हैं बताया था ना अभी तो वो पाँच परसेंट के आसपास हमारा टारगेट है पाँच गिगा के आसपास हमारा टारगेट है कि रिनील एनर्जी मतलब जो आपका हाइड्रो पावर्स है वहाँ से, से जनरेट करेंगे अच्छा और वैसे भी मल्टी मल्टी प्रोजेक्ट होते हैं आपके केवल आपका इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम नहीं सिंचाई से संबंधित भी काम आते हैं ठीक है ना अच्छा लेकिन वाटर इस स्टोर्ड इन अ डैम पोजेज द पोटेंशियल एनर्जी आई पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट रिजल्ट फ्रॉम द एन ऑब्जेक्ट पोजिशन और अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट इट इज स्टोर्ड एनर्जी दैट कम्स दैट कैन बिकम द एनर्जी ये तो छत्तीस बार पढ़ा दिया पोटेंशियल और कैनेटिक द मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कैलकूटेटेटेटेटेट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट मास एंड द इट्स हाइट ऑफ दिस्टें तो पोटेंशियलियलियनर्जी का फॉर्म होता एम जी एच तो ये आपने याद रखना है नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम इससे पहले वाला जो चैप्टर इससे पहले वाला जो मैंने चैप्टर करवाया उसमें बताया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो दिखाता है वो दिखाता है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है आपका काइनेटिक एनर्जी जो आपकी फाइनल होती है उसमें से क्या हटा देते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को हटा देते हैं शुरुआत वाली को हटा देते हैं तो इसमें केवल एक्सटर्नल नहीं आती इंटरनल नहीं आती बल्कि दोनों आ जाती है प्लस नॉन कंजर्वेटिव भी होती है दोनों के लिए होती है आपकी तो आंसर जो बन जाएगा सारे ऑप्शन सही है सबके लिए होती है तो देखो मैं पढ़ लेता हूं लिखा हुआ है वर्क एनर्जी द वर्क एनर्जी स्टेट दैट द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द चेंज इन द कांटिक एनर्जी तो क्या हो जाता है डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर वी क्या आपका ये आपका क्या है फाइनल वेलोसिटी और यू आपका इनिशियल वेलोसिटी है अच्छा आगे चलेंगे तो लिखा हुआ एनर्जी एंड द वर्क आर द स्केलर क्वान्टिटी मैंने बता रखा था वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है दोनों का जो आपका क्या होता है यूनिट होता है क्या होता आपका झूल होता है दोनों क्या करते हैं आपका डॉट प्रोडक्ट को लेते हैं आपका किन का वैक्टर्स को लेता है ना वर्क इक्टल तो एफ डॉट डी कॉस्ट सीटा होता है न, तो तो उसकी वजह से स्केलर आ जाता है सो देयर वैल्यू डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ द इंडिविजुअल वर्क डन बाई द फोसेज इफ द दीज फोर्सेज कॉज द डिस्प्लेसमेंट इट विल बी अकाउंटेड फॉर इन वर्क डन द वर्क एनर्जी थ्योरम कैन बी अप्लाइड इन द केसेज ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इंटरनल फोर्सेज एक्सटर्नल फोर्स एंड सो ऑन दस द वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ द फोर्सेज सबके लिए होती है आपका इंटरनल एक्सटर्नल कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सभी फोर्सेज के लिए होती है पर होता आपका क्या है ये कैंडिगनर्जी का डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल तो ये आपने याद रखना है तो इसका जो पी है इस वीडियो का जो पी है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर लूँगा वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन फिर क्लिक कर लेना ताकि मेरे द्वारा जितनी भी वीडियो बनाई जा रही है उनका नोटिफिकेशन आपको आपको मिलता जाए टाइम टू टाइम अगर वहां से नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पे आप कनेक्टेड रहना वहां पे मैं लिंक क्या कर देता हूँ तुरंत शेयर कर देता हूँ जैसे वीडियो अपलोड हो जाती है तो वहां से आप ले सकते हैं इसके अलावा आप फेसबुक से भी ले सकते हैं तो फेसबुक पर भी आप हमें क्या कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं पेज को हमारे इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत